हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज बात करेंगे, पहले आपको पूजा करते हुए अनुभव होते थे, अब बंद हो गए हैं। पहले आपको देवता के दर्शन भी होते थे, अब होना बंद हो गए हैं। पहले आपकी गद्दी चलती थी, जो लोग गद्दी लगाते हैं, अब बंद हो गई है। पहले पूछा आप देते थे, पूछा बंद हो गया है। सवारी आती थी, सवारी आनी बंद हो गई है। तो ऐसा आपके साथ क्यों हुआ है, आज बात करेंगे वीडियो में। इसी टॉपिक के ऊपर बने रहना, पूरा सुनना, ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। देखिए, इन सब का कारण हो सकता है कि आपके देवता आपसे नाराज़ हो गए हों, या आपने कोई ऐसी गलती कर दी है, कोई ऐसी भूल आपसे हो गई है, जिससे आपको सारे अनुभव होना बंद हो गए हैं, सवारी आना बंद हो गई है, गद्दी आपकी लगती थी वो बंद हो गई है, देवता दर्शन देते थे वो बंद हो गए हैं। तो हो सकता है कि आपसे कोई गलती ऐसी हो गई हो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो हम बात करेंगे पहले संकेत के बारे में, जिससे आप पता कर सकते हैं कि अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं तो वो क्या हुई हैं। आप टाइम से उस चीज़ को सुधार करके अपने आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, पहली चीज़ है, अगर आप पवित्र रहना बंद हो गए हो, पहले आप अच्छे से नहा करके, अच्छे वस्त्र पहन करके अपनी पूजा किया करते थे, अच्छे से ध्यान किया करते थे, अपनी इष्ट देव के आप मंत्र जाप करते थे, जोत लगाते थे, उनके मंदिर जाते थे, अच्छे से नहा धो करके, अच्छे वस्त्र साफ सुथरे पहन करके आप पूजा पाठ किया करते थे। अब अगर आपने वो करना बंद कर दिया है किसी कारणवश, तो हो सकता है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई हों, क्योंकि देवता को बिल्कुल भी गंदगी पसंद नहीं होती है, वो साफ स्वच्छ देव होते हैं, जिनको साफ स्वच्छता ही पसंद होती है। अगर आप अपने घर में अच्छे से झाड़ू पोछा, अपने घर के मंदिर को अच्छे से आप साफ रखते थे, अच्छे से सुबह शाम जोत जो है आप लगाते थे, तो आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे संकेत के बारे में। देखिए, पहले तो आप अगर नियम से पूजा पाठ किया करते थे, बिल्कुल समय पे अपनी मंत्र जाप जोत लगाते थे, अपने इष्ट देव की सारे कार्य जो है आप समय से करते थे, अब आपने नियम अपने बदल दिए हैं, आपका कोई समय नहीं है। कभी आप जोत लगाते हो अपने इष्ट देव की, कभी नहीं लगाते हो, तो कभी आप पूजा करते हो, कभी नहीं करते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, तब भी आपके साथ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे लहसुन प्याज का त्याग आपने पहले किया हुआ था, तामसिक चीज़ों का त्याग आपने किया हुआ था, अगर आपने खाना शुरू कर दिया है तो आपके देवता आपसे नाराज़ हो सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो प्लीज़ इनको बंद कर दें। फिर भी आपको देवता, अपने देवता से आप क्षमा याचना करें और दोबारा से आप अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको शुरू से ऐसे अनुभव होना शुरू हो जाएंगे जैसे आप पहले किया करते थे, आपको अनुभव होते थे। अब बात कर लेते हैं तीसरे संकेत के बारे में। संकल्प तोड़ देते हैं बहुत लोग, ऐसा होता है, जैसे 11 दिन की, 21 दिन की, 7 दिन की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, संकल्प लेकर के मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी कार्य अगर करते हैं या फिर व्रत करते हैं, और वो बीच में ही टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो इस कारण से भी देवता आपसे नाराज़ हो सकते हैं। क्योंकि जो संकल्प जिस चीज़ के लिए उठाया गया हो, अगर वो बीच में ही टूट जाए या खंडित हो जाए किसी भी प्रकार से, तो देवता नाराज़ हो सकते हैं। देखिए, अगर आपके साथ ये चीज़ें हुई है तो आप दोबारा से क्षमा याचना करके अपने इष्ट देव से दोबारा से स्टार्ट करें, और मन में बिल्कुल भी किसी प्रकार का घमंड आपको नहीं रखना है, किसी के प्रति द्वेष आपको नहीं रखना है, और सिर्फ अपने इष्ट देव से आप उनकी तरंगे मांगिए, उनकी भक्ति मांगिए, बाकी आप चीज़ें उनसे कुछ ना मांगे, तो आपके साथ दोबारा से अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। अगली चीज़, अगर आप समय से भोग देते थे, भोग देना आपने बंद कर दिया है। देखिए, शक्तियों को भोग लगाना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जितना सब कुछ संसार में टिका हुआ है वो भोग है, वो खाना है, वो भोजन है। इंसान को भी जीने के लिए भोजन करना होता है, और शक्तियाँ जो है ये भी भोग पर ही चलती है। कोई पान पेड़ा खाते हैं, लड्डू चूरमा खाते हैं, रोट खाते हैं, बूंदी के लड्डू चढ़ते हैं, बहुत तरह तरह के गुलदाना बहुत को चढ़ता है। तो जिनका जैसा भोग है, जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, और उनको आप उनका पसंदीदा अगर भोग लगाते थे और लगाना अब बंद कर दिया है, तो आपके साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं।
और जो लोग सामान्य रूप से भी पूजा पाठ करते हैं तो वो भी भोग लगाए अपने इष्ट देव के, तो आपको डेफिनेटली अनुभव होना शुरू हो जाएंगे अच्छी चीज़ों के, पॉजिटिव एनर्जी आपको टच होना शुरू हो जाएगी, कनेक्ट होना वो आपसे शुरू हो जाएगी। तो अगर आपसे ये सारी गलतियाँ हुई हैं तो क्षमा याचना करके आप अपनी पूजा में दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको दोबारा से अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। आपके जो भी इष्ट देव हैं उनकी आपको समय से आरती अवश्य रूप से अपने घर में आपको करनी चाहिए, क्योंकि आरती करने से आप क्षमा याचना करते हैं अपने इष्ट देव से और जो आपकी मनोकामना होती है उसकी भी जो पूर्ति है वो आप आरती के माध्यम से कर सकते हैं। देवता के अगर आपको दर्शन पाना है तो वो भी आप आरती के माध्यम से कर सकते हैं। तो सुबह शाम अपने इष्ट देव की आरती अवश्य रूप से आप करें। जो लोग बाबा हनुमान जी के भक्त हैं वे सुबह और शाम हनुमान जी की चालीसा करें। देखिए चालीसा आप 7 बार करेंगे तो आपको बेस्ट अनुभव होंगे, बेस्ट रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। एक टाइम में आपको बैठ करके संकल्प ले करके आपको 7 बार पाठ करना है चालीसा का, उसके बाद आप हनुमान जी की सीताराम भगवान की आरती करें तो आपको बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका ऑरा क्लीन होगा, आप अच्छी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट होंगे, हनुमान जी आपसे प्रसन्न होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डेली रूटीन में करेंगे तो आपको डेफिनेटली अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। जी आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखे। अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबाया करें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप वीडियो का लाभ उठा पाएं। कल फिर मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें, खुश रहें। आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।